फ्रेंड्स, पीवीआर लिमिटेड अगले दो क्वार्टर से लगभग बंद जैसा ही है, फिर भी हमारे रिटेल निवेशक इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कंपनी ने परफॉर्मेंस ही पिछले 10 साल में ऐसा दिखाया कि 10 साल में अपना टर्नओवर 10 गुना कर दिया और प्रॉफिट 20 गुना, यानी कि डीमार्ट, आइसर मोटर जैसे बहुत ही तेज़ी से ग्रो की है। इसी वजह से हमारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं पीवीआर के शेयर में। और इसके अलावा आज ही कंपनी ने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट पोस्ट किए, जिसमें 46 करोड़ का लॉस किया। मगर फ्रेंड, शेयर बाजार हमेशा भविष्य की संभावनाओं पर चलता है, तो इस क्वार्टरली रिजल्ट को हमें भूल जाना ही बेहतर होगा। और मुझे ये भी लगता है इसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कल शेयर के भाव पर नहीं देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगले आने वाले दिनों में मुझे लगता है 3 बहुत बड़े ट्रिगर हो सकते हैं इस कंपनी के शेयर के भाव को ऊपर ले जाने के लिए। तो सबसे पहला तो अभी जो कल वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो हो सकता है आगे जाकर पूरे भारत के अंदर सभी सिनेमा घरों को 100% कैपेसिटी से चलाने जाने की मंजूरी मिल जाए, तो ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए। और इसके अलावा कंपनी अभी 800 करोड़ का फंड राइज करने वाली है, तो ये कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में अभी साउथ मूवी रिलीज की है, जो कि विजय द मास्टर है, और ये ब्लॉकबस्टर हो गई है। तो कि अगले आने वाले दिनों में अगर सिनेमा घर ओपन होते हैं तो जो पेंट अप डिमांड, यानी कि जो काफ़ी टाइम से सिनेमा घरों में पब्लिक नहीं गई, वो डेफिनेटली सिनेमा घरों में जा सकती है। और कंपनी का इस पर ये भी बयान आया कि जो साउथ मूवी को जो रिस्पॉन्स मिला और जो पेंट अप डिमांड है, वो कंपनी को बहुत ही तेज़ी से रिकवर कराएगी। तीसरा ट्रिगर ये हो सकता है कि अभी बहुत बड़े सुपरस्टारों की मूवी पाइपलाइन में पड़ी है, जो कि अक्षय कुमार, रणबीर, दीपिका, आमिर, सलमान, शाहरुख जैसे सुपरस्टारों की मूवी अभी पाइपलाइन में पड़ी है। तो फ्रेंड, जब बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन के बाद सिनेमा घरों को खोलने की परमिशन दी जाएगी, तो ये बड़ी मूवियाँ डेफिनेटली लॉन्च होने के लिए आ जाएगी, तो ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर होगा। और अभी जो 1475 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, वहाँ से शेयर को बहुत ही ऊपर ले जाने की क्षमता रखते ये तीनों ट्रिगर, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तो फ्रेंड्स, इस शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस लेवल पर थोड़ा थोड़ा बाय करना चालू कर सकते हैं, और अगले आने वाले दिनों में 1800 से 1900 तक के लक्ष्य लेकर चल सकते। और फ्रेंड, मुझे ये लगता है अगले आने वाले 3 से 4 महीने में ये टारगेट आ जाने चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आप इस शेयर में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ से धीरे धीरे बाय करना शुरू कर सकते हैं।